अच्छा आपकी एज तो 20 इयर्स है हाँ। लेकिन एक्सपीरियंस आपका 40-50 साल का है। सबने मना किया कि इस टाइम पे 3 बजे कोई रिस्क हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है, तो ना उतरो। मैं कहता हूँ कि हमारा परिवार जो है वो पागलों का परिवार है, वो पागलपन आपसे ही आया है। हेलो दोस्तों, 7 साल में आज एक चीज हम पहली बार कर रहे हैं, जो 7 साल में नहीं किया वो आज हो रहा है। इस चैनल पे ये पहली कोलैबोरेशन है जो आप देखने जा रहे हो। पहली बार मैं किसी का इंटरव्यू इस चैनल पे ले रहा हूँ, और जिसका इंटरव्यू ले रहा हूँ वो बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, क्योंकि मेरी वो यूनिवर्सिटी है, मेरी वो इंस्टीट्यूशन है, मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ, मैंने सब उनसे सीखा है, और सिर्फ मैं ही नहीं, लाखों लोग उनसे सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी फाइटिंग स्पिरिट मैंने बचपन से देखा है कि दुनिया ने, जिंदगी ने, भगवान ने थोक के भाव में, होलसेल में उनको प्रॉब्लम्स दी हैं, बट एक फाइटर की तरह उन्होंने हमेशा प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदला है, चैलेंजेस में बदला है, जिस वजह से हम उनको देख देख के बहुत कुछ सीखे। कैसा लग रहा है पापा आपको ये आइडिया एक साथ वीडियो करने का? मजा आ रहा है यार तेरे साथ बैठ के, और वो भी चैनल के ऊपर हम दोनों इकट्ठे आएंगे। इट्स अ रेयर समथिंग। ग्रेट ग्रेट, मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। बहुत बार ना ये कमेंट्स भी आते हैं, तो बहुत बार ये पढ़ता हूँ कि एनर्जी नहीं है, आलस आ रहा है, कैसे करें। बट आपके अंदर ये चीज देखिए कि मतलब 60 की एज में 16 साल वाली एनर्जी में देखता हूँ। मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है, हम जब घर जाते हैं तो रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक काम की डिस्कशन चल रही है, और ये मैं तब से देख रहा हूँ, 20-25 साल, मतलब 25 साल से मैं आपको जानता हूँ, जब से होश संभाली है, कि आधी रात को भी मतलब काम के ऊपर आइडिया सोचे जा रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, और अभी भी रात को 2 बजे हम मूर्थल चाय पीने चल पड़ते हैं अचानक। तो ये एनर्जी कैसे, मतलब बहुत लोग सीखना चाहेंगे। सिंपल है, जैसे लॉ ऑफ नेचर होते हैं ऐसे ही लॉ ऑफ सक्सेस होते हैं। कुछ लॉ कभी नहीं बदल सकते, साइंस का लॉ कभी नहीं बदल सकता, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसको बदल नहीं सकते। ऐसे सक्सेस के लॉ हैं जो हमने स्कूल में पढ़ लिए थे और उसके बाद भूल गए। तो लॉ पढ़ा था कि वर्क इज वर्शिप, ये हमने बचपन में पढ़ा था, शायद सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था, हर किसी ने पढ़ा है। राइट, तो उसको याद भी रख लो ना, जब वर्क इज वर्शिप तो फिर वर्क करते रहो, वर्शिप हो रही है। तो उसी चीज को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, बस मेरे लिए वर्शिप है, मेरे लिए एंजॉयमेंट भी काम है। तो मैं काम की पूजा करता हूँ, काम को ही मैं एंजॉय करता हूँ, और काम ही मेरे लिए मेरा प्यार है। बहुत बढ़िया। मुझे याद है जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब का फर्स्ट डे था, तो आपने मुझे कहा था कि बेटा एक चीज याद रखियो कि इसको नौकरी मत समझना, ये सोच के जाना कि ये तेरा बिजनेस है, ये तेरी दुकान है। जैसे एक दुकानदार घड़ी नहीं देखता दुकान खोलने से पहले, वो दुकान खोलता है जैसे तैयार होता है, और दुकान बंद करने वक्त, बढ़ाने वक्त वो ये नहीं देखता कि टाइम हो गया है, वो देखता है कि अगर कस्टमर है तो मेरी दुकान खुली रहेगी। तो वो एक मैसेज, मुझे लगता है मैंने कई बार अपनी वीडियोस में भी शेयर करा है, कि उस एक मैसेज की वजह से मैंने अपने जॉब में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करी, एक चीज जो आपने मुझे बताई। ऐसा कोई मैसेज आप उनको देना चाहोगे जो अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी शुरुआत में है, उनके लिए कोई मैसेज? देखो, करियर हमारी लाइफ का पार्ट है, ये ऐसा कुछ नहीं कि हम केवल कुछ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी है। कितना पैसा कमाते हैं वो सेकेंडरी है, क्या हम बनते हैं उस करियर में वो प्राइमरी है। तो हमारा जो मकसद है वो अपने पर्सनैलिटी को उभारना, ताकि हम अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पाएँ, हम अपने में कुछ वैल्यूज़ ऐड कर पाएँ। तो जब वैल्यूज़ ऐड करने की बात हो रही है, जब स्किल को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, तो फिर जॉब हो या बिजनेस, तो आपने तो काम करना है ना। राइट, तो आप किसी के पास काम नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में एक कंपनी हो, अपने आप में एक एंटरप्राइज हो। वो तो एक अरेंजमेंट है, वो प्लेटफॉर्म है, चाहे आप सैलरी पे गए, चाहे आपने से अपना बिजनेस शुरू किया, वो तो प्लेटफॉर्म चूज किया है ना। आप केवल अपने लिए कर रहे हो, तो यू आर एन एंटरप्राइज, इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज, आपका जो नाम है वो उसके साथ प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी लग गया है। तो अगर तो आप उसी एंगल से उसी चीज को आप करोगे, तो फिर स्काई इज द लिमिट, फिर प्रमोशन भी मिलेंगी, इंक्रीमेंट भी मिलेंगे, और अगर बिजनेस है तो फिर टर्नओवर भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। एक्सीलेंट। आपने स्किल की बात करी कि टाइम के साथ साथ स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, बदलना चाहिए, हम सब एक एंटरप्राइज है, तो एंटरप्राइज के लिए इवॉल्व करना, खुद को सुधारना, टाइम के साथ बदलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मुझे आपकी बात याद आ गई कि अभी रिसेंटली हम लोग टिकटॉक पे आए, तो आपने भी अपना टिकटॉक का हैंडल बनाया। अब इस एज में आपको टिकटॉक पे लोग नजर नहीं आते, जनरली नहीं आते। मैं कहता हूँ कि हमारा परिवार जो है वो पागलों का परिवार है, वो पागलपन आपसे ही आया है, शुरू से आपके अंदर वो पागलपन देखा है। तो यस, वी आर अ मैड फैमिली, हम सब पागल हैं, और उनका उसका कारण ये है। तो जब आप इस एज में टिकटॉक पे गए, हो सकता है कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हो, बट आपने वो हिम्मत करी, आपने हिम्मत करी कि अगर लोगों को इंस्पायर करना है, चेंज लाना है, ये थॉट कैसे आता टाइम के साथ साथ बदलने का, मतलब व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? पर मुझे ये बता के बार बार मेरी एज की बात क्यों कर रहा है? नहीं, ऐसी एज में क्या देखा है,
जब मैं आज से अंदाजा ये कह लो कि 42 इयर्स पहले जब मैं 20 साल का था, अब मेरी एज ना पूछना, बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, तो जब मैं 20 साल का था तो मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि मैंने अपनी एज को बढ़ने नहीं देना है और उसके बाद मैंने बढ़ने नहीं दिया है। तो इसीलिए तो तू मुझे देखता है ना रोज, कि जो तब खाता था वही आज खाता हूँ, जो मैं तब पहनता था वही मैं आज पहन रहा हूँ, जैसी फिल्में तब देखता था वैसी ही आज देख रहा हूँ, तो मैं चेंज क्यों करूं? एज तो नंबर है यार। राइट राइट राइट। एज एज का मतलब क्या है? अगर मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी एज बढ़ गई है, इसका मतलब है कि मैंने घुटनों की केयर नहीं की है। राइट राइट। तो नेचर अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर मेरी दाढ़ी सफेद हो गई तो जरूरी है कि मैं अपनी जीन्स छोड़ के और पैंट्स के ऊपर या पजामे के ऊपर आ जाऊं? तो नेचर अपना काम कर रही है ना, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। तो एज तो बीच में ला ही ना किसी हालत में भी, मैं जो तेरी एज है वही मेरी एज है और यही रहेगी। गुड। और क्या पूछना था? मैड्स की फैमिली right. यार हमारा सरनेम क्या है? मैड एंड्स, इट्स नॉट मदान्स। राइट। तो पहले तीन तो है ही मैड, तो हम मैड एंड्स हैं। ये जो जुनून, ये पागलपन, इसके बिना कौन क्या बन पाएगा यार? बिना पागलपन के कौन बन पाएगा? आप क्या सोचते हो कि सचिन तेंदुलकर रात को जो मिडनाइट उठता होगा तो वो सोचता होगा कि बिरयानी कैसे बनती है? कभी भी नहीं। उसके दिमाग में आता होगा कि सिक्सर कैसे मारना है। तो ये जो जुनून है ना, बिना जुनून के कोई आगे निकल ही नहीं सकता। अगर कोई कहे जी मैं पार्ट टाइम काम करूंगा, पार्ट टाइम कुछ नहीं है, 100% सरेंडर। एक माँ को देखो, वो कभी कंडीशंस लगाती है कि मैं बच्चे को ग्रो कराना चाहती हूँ और लेकिन मैं 5 दिन काम करूँगी, 2 दिन छुट्टी करूँगी, मिडनाइट काम नहीं करूँगी, यूनिफॉर्म पहनने, कोई भी कंडीशन नहीं है। उसके लिए एक ही मकसद है कि बच्चे को ग्रो करवाना है, इसको कामयाब करना है, और उसके लिए 100% सरेंडर किया हुआ है। यही चीज़ हमारे लिए है। जो आपका मकसद है, चाहे वो करियर है, चाहे आपका शौक है, चाहे आपकी हॉबीज़ हैं, चाहे समाज सेवा है, तो जो आप करना चाहते हो 100% सरेंडर। फिर कंडीशन कोई नहीं कि इतने पैसे मिले, इस टाइम पे काम करना है, मुझे छुट्टी चाहिए ना। तो जब 100% आप करते हो ना, उसी को जुनून कहते हैं, इंग्लिश में पैशन कह दो और हमारी लैंग्वेज में पागलपन है। बट इस पागलपन के पीछे कहीं ना कहीं हमने वो डिसीजंस लिए जो हमें करना है, जो हमें पसंद है। बहुत बार ये भी होता है कि मैं कोई चीज कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कमेंट्स आते हैं कि सर मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन उसके लिए मैं कमिटमेंट फील नहीं कर पाता, वो पैशन फील नहीं कर पाता, तो क्या वो रॉन्ग करियर चॉइस है या फिर वो एक नेचर की प्रॉब्लम है या पर्सनैलिटी का इशू है? नहीं, उसका जो रीजन मेरे जो सोचने के मुताबिक है कि जो काम हम कर रहे हैं, मैंने आज एक काम शुरू किया, चाहे करियर है चाहे शौक है, उसका जो एंड है, जो उसका अल्टीमेट आउटकम है, उसको हम विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं। तो हमने शुरू किया कि दुकान शुरू की, दुकान में दिल नहीं लग रहा। दिल क्यों नहीं लग रहा? कि दुकान में 20 साल के बाद हमारी दुकान कैसी होगी, उसको विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं। जब आप विजुअलाइज करते हो कि आफ्टर 20 इयर्स मेरी दुकान में बहुत बड़ा एक स्टॉक पड़ा होगा, बहुत बड़ा बोर्ड लगा होगा, 50 लोग हर समय कस्टमर्स खड़े होंगे और मेरे पास टाइम नहीं होगा, नोटों की बोरी भर रहा होगा, जब इसको विजुअलाइज करोगे ना, फिर आपका दिल लगना शुरू हो जाता है। तो काम के साथ प्यार नहीं पड़ा ना आपका, ऐसे ही शौक है। आप सिंगर बनना चाहते हो तो सिंगर बनना चाहते हो तो आपका मन नहीं लग रहा, मन इसलिए लग रहा कि विजुअलाइज नहीं किया है कि जब आप सिंगर बन चुके हो, लोग आपके लिए ताली लगा रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर्स आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप page 3 पे आ चुके हो, एक बार विजुअलाइज कर लो, आपका प्यार उसके साथ हो जाएगा। और यही दिक्कत अगर आपने सॉल्व कर ली तो फिर वो जो इशू है ना कि दिल नहीं लग रहा जी, कमिटमेंट नहीं हो पा रही, वो हो जाएगी। आई थिंक विजुअलाइजेशन बहुत पावर रखती है। आपके अंदर मोटिवेशन आती है, पैशन आता है, आप रियलाइज कर पाते हो कि उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है। आपके मुंह से जब भी सुना है, हालात कैसे भी हों, आपके मुंह से हमेशा बड़े सपने सुने हैं, बड़ी आग सुनी है। पॉकेट में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद यहाँ पे क्या है उससे हमेशा फर्क पड़ा है आपको। शायद वही रीजन है उस पागलपन के पीछे भी। अच्छा, आपकी एज तो 20 इयर्स है लेकिन एक्सपीरियंस आपका 40-50 साल का है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के, बहुत सारे ट्रेड्स के, बहुत सारे काम किए हैं आपने। अगर आपको रीस्टार्ट करना हो, दोबारा करना हो आज की डेट में, तो आप शुरुआत कैसे करोगे, किस फील्ड या प्रोफेशन को चूज करोगे? मेरा फील्ड अगर जीरो से स्टार्ट करना हो या मुझे चॉइस मिले अगले जन्म में, तो तब भी मैं यही काम करूँगा, लाइफ कोचिंग, सेल्स ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन।
क्योंकि यही मेरी जान है, यही मेरा पैशन है, मेरी आत्मा इसमें है। जादूगर की जो आत्मा होती है ना, वो तोते में होती है, तोते को मार दो जादूगर मर जाएगा, यही मेरी आत्मा है। जिस दिन ये काम मेरे हाथ से खींच लोगे ना, उस दिन समझ लो टीएस मदान खत्म हो गया। सेल्स ट्रेनिंग या इस तरह की चीज जो लाइफ कोचिंग, आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपस में लिंक्ड हैं। मुझे मतलब आप ही ने कहा था और बहुत बहुत वैलिड बात है कि हर कोई एक सेल्समैन है। मतलब हम स्कूल में भी अपने आप को सेल करते हैं, अपने पॉइंट को सेल करते हैं टीचर्स के आगे, दोस्तों के आगे। जब आपको किसी को प्रपोज करना है, अपने दिल की बात कहनी है, तो कहीं ना कहीं आप अपना प्यार अपनी टू बी गर्लफ्रेंड को या टू बी वाइफ को सेल कर रहे हो, और वही फिर बाद में आप अपनी बातें बच्चों को सेल करते हो। तो सेल्स तो हर किसी की लाइफ का पार्ट है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इज इट सेल्स ट्रेनिंग जो सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, या वी शुड ऑल गो फॉर इट? नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज देखो ना, इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम किसी की बात नहीं समझ पा रहे हैं या हम उसकी बात को समझना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मैं तेरी बात बाय नहीं करना चाहता हूँ, यानी खरीदना नहीं चाहता हूँ। वहां पर बाय का जो अर्थ है वो खरीदना नहीं है। तो वो कहता है जी मैं अपना पॉइंट सेल कर पाया हूं। तो पॉइंट सेल करना, इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। अपनी बात कहना, दूसरे से जो हमारा डिजायर्ड रिस्पांस है वो लेना इज ए सेलिंग। जब मैंने प्रपोज किया किसी लड़की को, तो मेरा डिजायर्ड रिस्पांस क्या है, मैं सुनना चाहता हूं यस। अगर उसने यस कह दिया तो आई कुड सेल माय पॉइंट। और जब मैंने कुछ प्रोडक्ट बेचा तो वो सेम चीज वहां पर चल रही है। मैंने अपनी वाइफ को ये कन्विंस किया कि मेरे लिए ये सब्जी बननी चाहिए, तो आई कुड सेल माय पॉइंट। तो सेलिंग पार्ट ऑफ लाइफ है, सेलिंग कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आपने बेचना ही है। अगर आप बेचोगे, आपकी शादी भी अच्छी जगह पर होगी, आपका करियर भी अच्छी जगह पर होगा। आपने इंटरव्यू दिया, वहां पर भी आप अपने पर्सनैलिटी को सेल कर रहे हो, अपने अपनी बातों को सेल कर रहे हो। अगर नहीं कर पाए, वहां सेल्समैन नहीं हो आप। ट्रू, आप डिक्शनरी मीनिंग के मुताबिक सेल्समैन नहीं हो, अदरवाइज आप सेल्समैन ही हो। आपने किसी को एम्प्लॉय रखना है एज ए एम्प्लॉयर, तब भी तो सेलिंग ही है। ट्रू, यू हैव टू सेल योर प्रपोजल कि आपके पास है क्या भाई। तो सेलिंग तो कमर्शियल नहीं है, ये लाइफ है, ये इसमें मटेरियल नहीं कहीं पर आ रहा है, ये वे ऑफ लाइफ है। तो इसीलिए मैं सेल्स ट्रेनिंग को एंड लाइफ कोचिंग को अलग अलग नहीं मानता हूं। 40 साल हो गए मुझे एज ए सेल्समैन काम करते हुए, एंड यू नो के योर ग्रैंडफादर, मेरे फादर, वो भी तो सेल्समैन थे। हमारे तो ब्लड में सेलिंग है। तो सेलिंग का मतलब क्या है कि भाई मुस्कुराना है दूसरे के साथ, दूसरे की तारीफ करनी है, दूसरे के साथ सच बोलना है, एथिक्स रखने हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, इंटेग्रिटी के साथ काम करना है। जितने भी ट्रेड्स अगर बोलना शुरू करेंगे, वो सारे के सारे ट्रेड्स अगर आप में आ गए, यू आर ए गुड सेल्समैन। तो इसी तरह से मैंने अपनी लाइफ को चलाया कि मैं आपको अच्छा सेल्समैन नहीं बना सकता हूं, लेकिन आप में ऐसी क्वालिटीज भर सकता हूं कि लोग आपके लिए अच्छे परचेजमैन बन जाएं। लोग आपसे कहें हम खरीदना चाहते हैं। अगर मैं किसी को कहूं मैं बेचना चाहता हूं, इससे पहले लोग क्यों ना मेरे पास आए। बहुत वैलिड डिस्कशन से पहले जब हमने ये स्टार्ट करना था, तो एक छोटी चीज हमने डिस्कस करी थी कि आज एक नई स्टार्ट, एक नई चीज की शुरुआत करें, एक काइंड ऑफ सेल्स के ऊपर एक फ्री बेसिक्स जो हर किसी के काम है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं सेलिंग कर रहा है, हर कोई सेल से लिंक्ड है, और जो प्रोफेशनली रोज कर रहे हैं, कमर्शियली सेलिंग कर रहे हैं, वो तो उनका तो लाइफ ही सेल्स है। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ आप दोगे आज नया, कुछ फ्री सेल्स ट्रेनिंग, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, तो उसके बारे में आई वुड वांट कि आप, उसके लिए मेरी प्लानिंग क्या है कि जो हमारी ऐप है ना सीखेगा इंडिया, उसी पे मैंने एक कोर्स बना दिया है, इट्स ऑलरेडी उसमें चला गया है, और जब तक ये हमारी वीडियो लोग देखेंगे, लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। इसका मैंने टाइटल रखा है, जहां चाहो वहां बेचो, जिसको चाहो उसको बेचो, जितना चाहो उतना बेचो। अब मैं ये कंप्लीट कोर्स नहीं है, लेकिन आपको बेसिक्स मिल जाएंगे, यानी आपको आगे चलने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। कोर्सेज तो मेरे और भी हैं, पेड भी हैं, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। इसमें मैंने सोचा है कि मिनिमम 5 वीडियोस में दूंगा, हो सकता है एक दो और भी दे दूंगा, लेकिन मेरी कमिटमेंट 5 वीडियोस की है। हर तीसरे दिन आपको एक वीडियो मिलेगी, यानी आपने 15 डेज में 5 वीडियोस कंप्लीट करनी है। और
ये चेंज ऐसा है, चेंज के बारे में अगर बात करूं तो चेंज वही होता है जो नोटिस किया जा सके। अगर आप में कोई चेंज आया है, चाहे बिहेवियर में चाहे आपकी लुक्स में, अगर वो नोटिस नहीं हो रहा तो चेंज नहीं है। इन 5 वीडियोस को देखकर आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा एज ए सेल्समैन। तो जो आपका सामने वाला कस्टमर है, आपको कैसे पता लगेगा? आपको पता लगेगा, सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि सामने वाला कहे कि कल से आज थोड़ा फर्क है, वो 5 वीडियोस ही आपको फर्क दे देंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इसके लिए सीखेगा इंडिया ऐप पे ये कोर्स आपको मिलेगा। सीखेगा इंडिया ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे हम लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। फ्री ट्रेनिंग है, मैं ये जरूर कहूंगा जो सेल्स में फुल टाइम इन्वॉल्व है, जो प्रोफेशनल सेल्स में इन्वॉल्व है, वो तो जरूर करें। और मेरी पर्सनल सजेशन है, क्योंकि मैंने सारी लाइफ सेल्स नहीं करी, कुछ टाइम ही करा है, लेकिन वो लर्निंग मेरे आज भी काम आती है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हर कोई वो उसको करे, हर कोई उस ऐप को डाउनलोड करके, फ्री ट्रेनिंग है तो उसका जरूर फायदा लिया जाए। मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, क्योंकि सीखेगा इंडिया हमारा एक फैमिली ऐप है, जो धीरे धीरे, हमारा विजन बहुत बड़ा है, हम चाह रहे हैं इसमें और भी ट्रेनर्स आएँ, और भी स्पीकर्स आएँ, बहुत कुछ लोगों को सिखा पाएँ। हमारे लिए ये प्राइमरी, पैसा कमाना प्राइमरी मकसद नहीं है। राइट, बिल्कुल। और अगर लोगों ने, अगर आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके ये वाला फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम हमसे ले लिया, तो हम समझेंगे आपने हमें सेवा का मौका दे दिया और हम ओबलाइज्ड फील करेंगे। आई थिंक यही ग्रेटनेस है आपकी, जो हमेशा एविडेंट रही है। इनफैक्ट मैं ये मतलब पर्सनल इंसिडेंट्स मुझे याद आते जा रहे हैं लाइफ के, क्योंकि हम लोग बैठे हैं तो मैं साथ साथ शेयर करता रहता हूँ कि जो दिल से ऑनेस्टी होती है ना, जो करेक्टर होता है, शायद बहुत बड़ा गिफ्ट है आपकी तरफ से कि हम ऑनेस्ट इसीलिए क्योंकि आपको ऑनेस्टी प्रैक्टिस करते हुए देखा है। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, एक बार चंडीगढ़ से हम किसी शादी में आ रहे थे, तो सारे रिलेटिव्स हम साथ एक दो गाड़ियों में थे, तो रास्ते में रात के 3-4 बजे थे, शादी से वापस आ रहे थे, तो चंडीगढ़ टू अमृतसर जा रहे थे। 3-4 बजे के आसपास हमने देखा एक गाड़ी पलटी पड़ी थी सड़क पे, कुछ लोग उसके राइट लेफ्ट गाड़ी के अंदर से, एक दो लोग निकला, एक दो लोग गाड़ी के अंदर थे और हेल्पलेस थे, कुछ कर नहीं सकते थे। और आपने नोटिस किया, आपने एकदम ड्राइवर को बोला कि ब्रेक लगाएं, और जो रिलेटिव साथ में थे, जैसे शादियों में जाते हैं सब एक साथ बल्क में जाते हैं, तो सबने मना किया कि इस टाइम पे 3 बजे कोई रिस्क हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है, तो ना उतरो। आपने सबसे फाइट मारा, हम तो बहुत छोटे थे, मैं देख रहा था आप सबसे लड़ रहे थे, वो अपनी जगह ठीक थे, जो रिलेटिव वीडियो देख रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आपने लड़े, आपने फाइट मारा कि हम इस टाइम पे उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। तो हम उतरे सब लोग गाड़ी से, वो गाड़ी सीधी करी, उसमें से लोग निकाले, उनकी जान उस टाइम पे बच गई, गाड़ी के अंदर दबे हुए थे, पुलिस आई, सब कुछ हुआ। लेकिन उस दिन मैं ये समझ गया कि जो मेरे डैड कहते हैं वो करते हैं, वॉट यू टीच यू प्रीच। तो ऐसा नहीं है कि बेटा जिम्मेदार बनो, बेटा रिस्पॉन्सिबल बनो, लोगों के काम आओ, और जब मौका आया तो खुद डर के बैठ गए, सबसे आप लड़े थे। सो यस, वो ऑनेस्टी हमेशा है, वही हम दुनिया के लिए है, वही सीखेगा इंडिया के थ्रू हमारी कोशिश है, और वही हर वीडियो के थ्रू कोशिश है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो मैं आपसे भी जरूर पूछूंगा, हर कोई जानना चाहता है, स्पेशली जो ट्रेनर्स हैं उनसे जानना चाहता है कि जब आपका वो फेज आता है कि इमोशनल कुछ लो फील होता है, या कोई चीज जो अपने हिसाब से नहीं हो रही, कोई नेगेटिव चीज होती है, उस इमोशन को आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो, और हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट, हाउ यू हैंडल योर इमोशंस? क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रेशर है एग्जाम का, रिलेशंस का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, फाइनेंस का प्रेशर है, सो इस तरह से वो कैसे नेगेटिव इमोशंस को डील करें? हमारी जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्चुअली हैपन होती नहीं है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, ये नेगेटिव ज्यादा सोचता है, कंडीशनिंग ऐसी है कि इसको नेगेटिव ज्यादा दिखाई देता है। अगर रात को बच्चा लेट घर आया तो पेरेंट्स के दिमाग में यही बात आती है कि कुछ रास्ते में हो गया होगा, और मैं कहता हूं कि अगर हो गया होता तो आपको फोन भी आ गया होता, अगर आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो आपको कॉल आ जाती, कॉल नहीं आई तो आप क्यों नेगेटिव सोच रहे हो? ये हमारी कंडीशनिंग है। अनोइंगली हमारे पेरेंट्स भी यही सोचते थे और अनोइंगली हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं। इस कंडीशनिंग को ठीक करो ना, हम नेगेटिव एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं जब उसने होना ही नहीं है? 10 नेगेटिव बातें आप सोचो तो उसमें से 9 तो होती नहीं है, 10% होती हैं, यानी 10 में से 1 होती है। जब 1 ही होनी है तो कौन सी होनी है? उससे होने से पहले ही आप क्यों मर रहे हो भाई? जब होगी तब तो मरना है, तब तो स्ट्रेस होगी, आज क्यों मर रहे हो? तो आपने मैच खेलना है, आपने एग्जाम्स देने हैं, आपने
इंटरव्यू देना है, ये सब कुछ करो ना, रिजल्ट तो दो में से एक ही आना है ना, या जीत जाओगे या सीख लोगे, तीसरा तो कुछ आना ही नहीं। अगर आप कुछ नहीं करते हो ना, वहां पर आप फेल हो जाते हो। मैं ये समझता हूं कि कुछ करो, डिसीजन लो, डिसीजन या गलत होगा या आपको ट्रेनिंग देगा, लर्निंग मिल जाएगी। तो एग्जाम्स का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, गिव योर बेस्ट, जो दे सकते हो दे दो। आपकी कॉन्शियस क्लियर रहनी चाहिए कि आई हैव गिवन माय बेस्ट। अगर आप बेस्ट दे देते हो और उसके बाद रिजल्ट्स अगर नहीं आ रहे तो आपके लर्निंग है क्यों नहीं आए, आपकी तरफ से कोई कमी रह गई या आपको ऐसे क्वेश्चंस ही नहीं मिले जिसकी आपकी तैयारी थी। वो आप उसके बाद एनालाइज करो ना और नेक्स्ट फिर एग्जाम दे रहे हो। आज मैच खेल लिया ना 2020 का, लास्ट मैच नहीं है ना आपकी लाइफ का, कल फिर होना है। राइट, तो आज हार गए हो ना, कल जोर ज्यादा लगा लेना ना, कल फिर हार जाओगे फिर क्या हो गया, परसों जोर ज्यादा लगा देना। तो आपकी लाइफ में कोई भी मैच लास्ट नहीं है, हर मैच रोज होना है, चाहे वो इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप एकेडमिक्स की बात करते हो, चाहे आप बिजनेस में कस्टमर की बात कर रहे हो। जस्ट कीप मूविंग इरिस्पेक्टिव ऑफ कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं। सो या तो जीत जाओगे या सीख जाओगे, इस तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट लेसन हमें मिले जो हमारे सबके बहुत काम आएंगे। मेरे लिए भी बहुत अच्छे रिमाइंडर्स थे ये सब। एक छोटी सी चीज करते हैं, बहुत बार इंटरव्यूज में होती है तो इस चीज को ट्राई करके देखते हैं, रैपिड फायर। तो मैं आपसे कोई वर्ड पूछूंगा, आप जो फर्स्ट वर्ड आपके माइंड में आए उसको सोचते हुए आप उसका आंसर दोगे, राइट? तो मैं रैपिड फायर स्टार्ट करता हूं। तो रैपिड फायर में वर्ड्स हैं, पहला वर्ड बिजनेस। बिजनेस इज टू सर्व पीपल विद योर नॉलेज विद योर प्रोडक्ट्स। बचपन, जब आप कुछ भी लेने के लिए अपनी कमिटमेंट दिखा देते हो। स्ट्रगल, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपनी स्पीड को तेज करना। सेल्स, किसी को कुछ ऐसा देना जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। टीएस मदान, एक पागल इंसान जो दुनिया को बदलने में अपना योगदान दे रहा है। ग्रेट। रिलेशंस, वाइस वर्सा, जो आप चाहते हो वो लोगों के लिए करो। गुस्सा, फालतू वर्ड है। इंडिया, हमारी माँ। हिमीश, अगर मेरा बेटा ना होता तो मैं ज्यादा तारीफ कर पाता। ग्रेट, ओके, चलो एटलीस्ट कोई नेगेटिव नहीं आया आपके माइंड में एकदम। मैं अच्छा बेटा हूँ। ओके, सो ग्रेट, बहुत अच्छा लगा पापा, बहुत मजा आया। एंड आई एम श्योर दोबारा इस चीज को करेंगे, कुछ क्वेश्चन जरूर कमेंट्स में आएंगे और लोग आपसे जानना चाहेंगे बहुत सारी चीजें। आई एम श्योर फर्दर क्वेश्चन होंगे तो अब मैं क्या चाहता हूँ बीच में। अब हमारा काम तो आज का हो गया, योर चैनल, मेरा इंटरव्यू आ गया, कोलैबोरेशन हो गई, जो चाहता था 7 साल से वो कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जो मेरे वाला चैनल है टीएस मदान चैनल, उसमें तेरी प्रेजेंस हो, ऐसे ही हमारा इंटरव्यू उसमें आए, वहाँ पर मेरी सीट बदल जाए, मैं उस सीट पे आ जाऊँ तो इस सीट पे आ जाए, क्योंकि इस एज पे यूट्यूब पे 4 मिलियन प्लस कितने हो गए, 5 टच कर रहे हैं, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तेरे टच कर रहे हैं। अगर मैं एज के हिसाब से देखूँ तो मेरे 8 मिलियंस तेरे से कम है, क्योंकि मैंने अचीव किए हैं 60 की एज पे, तूने अचीव किए हैं 20 की एज में, या 15 है अभी तेरी एज, 15 10 साल का ना, 10 साल का, तो 10 साल में अचीव किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला मैसेज मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मिले कि कैसे तूने अचीव किया। और मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि यूट्यूब करियर बन सकता है, और कई लोगों के ये भी क्वेश्चंस हैं कि उनके बिजनेस में किस तरह से वीडियोस के थ्रू वो ग्रो कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि तेरे पास उस सब चीजों के जवाब हैं, और मेरे चैनल पे वो इंटरव्यू चाहिए, लोगों को हम कुछ दे पाए और लोगों को आइडिया दे पाए किस तरह से यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, किस तरह से अपने बिजनेस को, अपने करियर को थ्रू वीडियोस ग्रो करवा सकते हैं। सो डन, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, फॉर श्योर। चेयर बदलते हैं और उस वीडियो को अभी शूट करते हैं, आज ही करते हैं, ठीक है? और जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको जरूर एड्रेस करते हैं, ठीक है? सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और मिलते हैं एक और वीडियो में दूसरे चैनल पे, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, सीखेगा इंडिया ऐप का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। और खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड वी लव यू ऑल।